Hi students and welcome back to Bank Exam Hi students and welcome back to Bank Exam Study.com. तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ वीकली Q&A सेशन. तो पिछले 3-4 दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कुछ एक सवाल भेजे हैं, कुछ एक क्वेश्चन पूछे हैं, तो आज मैं उन सबका रिप्लाई करूँगा. वैसे मेल में मैं आप सबको रिप्लाई कर चुका हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी मेल भेजने में थोड़ा हिचकिचाते हैं. लेकिन आपको भी ये सब जो बातें हैं जो मैं अभी आंसर्स बताऊंगा वो आपके लिए भी जानना थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए मैं ये सारे के सारे जो आंसर्स हैं, जो ईमेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. वैसे हर हफ्ते मैं करूँगा ये, हर हफ्ते मैं ये सेशन करने वाला हूँ. आप मुझे मेल्स भेजते रहिए, ये यहाँ पर आप सब लोगों ने, आप सब स्टूडेंट्स ने मुझे ईमेल्स भेजे थे bankexamstoday.com. तो यहाँ पर आप सब ने मुझे ईमेल भेजे हैं और यहाँ मैं अभी आपका रिप्लाई करने वाला हूँ. तो मेरा नाम है रमनदीप सिंह एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल का तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. ये मिस्टर परितोष प्रधान, इन्होंने मुझे मेल भेजा है रात को 1:30 बजे. परितोष, रात को 1:30 बजे आप क्या करते हैं मुझे नहीं पता. ये रात को 1:30 बजे इन्होंने मुझे मेल करा है. तो आई एम अ बीकॉम स्टूडेंट फ्रॉम कैलकटा यूनिवर्सिटी विद वेरी लो, इनका 50.4% है ग्रेजुएशन में और ये जानना चाहते हैं कि 50% मार्क अगर इन्होंने लिए हैं तो क्या इसका इम्पैक्ट इनके जो सिलेक्शन के चांसेस है उस पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. परितोष, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा. मैं आपको पहली एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आपके ग्रेजुएशन में कितने परसेंट मार्क हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी क्लियर करते हैं, IBPS ने अगर बोल रखा है कि ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कैलकटा यूनिवर्सिटी इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपने यहाँ से चाहे फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन में एग्ज़ाम दिया है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं PO का एग्ज़ाम देने के लिए, IBPS PO का एग्ज़ाम देने के लिए, क्लर्क का एग्ज़ाम देने के लिए. अगर आप ये आई थिंक एज भी आपका पूरा कर रहा होगा, आप एलिजिबिलिटी पूरे कर रहे होंगे, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आपके 50 हैं, चाहे 45 हैं, चाहे 55 हैं. आप एक बार प्री का एग्ज़ाम दे देते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है. आपने मान लीजिए मेंस का एग्ज़ाम दे दिया, क्लियर कर लिया, आप इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यूअर जो है वो आपके एप्टीट्यूड पे सवाल नहीं उठा सकता. वो आपको ये नहीं कह सकता कि यार इस बंदे के तो 50% मार्क आए हैं, तुक्के से आ गए होंगे. तुक्के से नहीं आए हैं, आपने 2 बार लिए हैं, पहले प्री में लिया है फिर मेंस में लिया है, तुक्का एक बार लगता है, बार बार नहीं लगता. तो आपकी इंटेलिजेंस पे कोई डाउट नहीं करेगा. तो ये परसेंटेज जो है बिल्कुल मैटर नहीं करती. आप कोई PG की सीट लेने नहीं जा रहे हैं, आपने प्री का एग्ज़ाम दिया, आपने मेंस का एग्ज़ाम दिया है और इंटरव्यू स्टेज पे भी आपको इस चीज़ से कोई नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट. तो मेरी तरफ से आपके लिए ये आंसर है, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तैयारी कीजिए. अगला क्वेश्चन जो आया है मिस्टर मनोहर गांधी, तो आई एम नॉट मच फास्ट इन एप्टीट्यूड, प्लीज़ टेल मी सम बुक्स दैट कैन गेट फास्ट फ्रॉम बेसिक्स. वैसे इनकी इंग्लिश बहुत ख़राब है मनोहर. सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा थोड़ा सा इंग्लिश पे काम करें, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लें, थोड़ा सा इंग्लिश का कुछ भी पढ़ लें. आपकी इंग्लिश थोड़ी सी ख़राब है, क्वांट अकेला एक आप कह लीजिए सेक्शन नहीं है, इंग्लिश भी है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी इंग्लिश क्लियर करने में जैसे आप लिख रहे हैं. एंड आई ब्रॉट योर प्रिपरेशन किट, इट इज़ वेरी यूजफुल. तो ठीक है, आप क्वांट आपका सही हो रहा है, मान लीजिए आप 35 में से क्वांट में चाहे 25-30 मार्क भी ले जाएं, प्री भी क्लियर कर लें, लेकिन मेंस सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगी. थोड़ा सा सही करें, इंग्लिश को सही करें थोड़ा सा. एंड इनकी आई थिंक प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो चुकी है. इनका मुझे मेल भी आया था सेम डे पे कि इन्होंने प्रिपरेशन किट ली थी कोई हमारी, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट. तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बुक्स की बात कर रहे हैं, टेल मी सम बुक्स. मनोहर, ऐसी कोई बुक नहीं, कुछ मैजिक बुक्स नहीं होती हैं. पहली बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप मान लीजिए आपने कोई टाइम एंड वर्क का चैप्टर करना शुरू किया है, आप सभी सोर्सेज से देखेंगे, इंटरनेट आप कह लीजिए सबसे अच्छी बुक जो है दैट इज़ इंटरनेट. आई मीन इंटरनेट पे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इतने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं कि आपका जो एक
लेवल है वो बहुत, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है वो बहुत अगले लेवल तक चले जाता है। जबकि अगर आप कोई बुक खरीदते हैं, कोई 300-400 रुपए की बुक खरीद लेते हैं मार्केट से, RS अग्रवाल, टायरा, या बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आपका जो नॉलेज का, आप कह लीजिए आपका जो नॉलेज है वो बुक्स तक रह जाता है। अगर वो बुक में, जैसे रीजनिंग का बुक लिया, उसमें जो नए टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, अगर वो उसमें नहीं है तो आप वो नहीं कर पाएंगे। जबकि अगर आप इंटरनेट की सहायता लेते हैं तो बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी आप कह लीजिए वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। तो आप कह लीजिए कि इंटरनेट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एज ऑफ द मोमेंट। बुक्स पे ज़्यादा ठीक है, बुक्स लेना थोड़ा बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन सिर्फ बुक्स पे डिपेंडेंट ना रहें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर मैं पिछले 1 ईयर से बैंक की प्रिपरेशन है, लेकिन मेरा इंग्लिश सेक्शन में कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा, सिलेक्शन न्यूज़पेपर भी पढ़ती हूँ। चलिए, अलीशा जी कह रही हैं कि पिछले 1 साल से तैयारी कर रही हैं ये, अलीशा शर्मा, एंड इनका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है इंग्लिश में। इंग्लिश की वजह से बार बार फेल हो रहे हैं। इन्होंने मेरे कहने पर या अपने फ्रेंड्स के कहने पर न्यूज़पेपर पढ़ना भी स्टार्ट किया है, लेकिन फिर भी इनका इंग्लिश अच्छा नहीं हो रहा है। ये मेरे सब, ये जो यूपी और बिहार, उड़ीसा, उस बेल्ट के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनका इंग्लिश बहुत ख़राब है, ये उनके लिए है। गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जो न्यूज़पेपर में इंग्लिश यूज़ होती है, कई बार बहुत टफ होती है। टफ नहीं कह सकता, डिपेंड करता है। हम लोग अगर पिछले 7-8-10 सालों से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हमें आदत है, हम ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। या बहुत सारे जो दिल्ली के स्कूल से पढ़े हुए हैं, जो इंग्लिश स्कूल से पढ़े हुए हैं, उन्हें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता है। लेकिन ये जो हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़े हुए हैं स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने ज़्यादा कभी इंग्लिश पढ़ा नहीं है, या इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, या वो लेवल का इंग्लिश नहीं है, तो उनको यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि उनका इंग्लिश का कट ऑफ नहीं क्लियर होता है, या उनके एग्ज़ाम इसीलिए क्लियर नहीं हो पाता। आपके लिए एक मेरी तरफ से, आप कह लीजिए गुरु मंत्र है, एक टिप दे रहा हूँ आपको, वो पढ़िए जो आपको पसंद है। सबसे पहले स्टार्ट यहीं से कीजिए, वो पढ़िए, वो चीज़ पढ़िए जो आपको पसंद है। आपको रोमांटिक बुक्स पढ़ना पसंद है, रोमांटिक पढ़िए। आपको थ्रिलर बुक्स पढ़ना पसंद है, थ्रिलर पढ़िए। हॉरर बुक्स पढ़ना पसंद है, हॉरर पढ़िए। कॉमिक्स पढ़ना आपको पसंद है तो कॉमिक पढ़ लीजिए। कार्टून, कुछ भी पढ़ना पसंद है, जोक्स पढ़ना पसंद है तो इंग्लिश में जोक्स पढ़िए। कुछ भी आपको पसंद है, पर्सनली आप कुछ तो पसंद होगा ना, एज अ ह्यूमन बींग आपको कुछ तो पसंद होगा पढ़ना। हिंदी में भी आप पढ़ना पसंद करते होंगे, कुछ आपको जोक्स भी तो कम से कम जोक्स तो पसंद होंगे। जोक्स, कोई मैगजीन, आप कह लीजिए कुछ भी मसालेदार खबरें, सेलिब्रिटी न्यूज़, Page 3 न्यूज़, कुछ भी आपने पढ़ना है इंग्लिश में वो ही पढ़े, मज़े लेकर पढ़े। आपको मतलब मज़ा आना चाहिए कि यार हाँ, इन्जॉय कीजिए। जब आप पढ़ते हुए इन्जॉय करेंगे तो धीरे धीरे फिर आप इधर शिफ्ट करेंगे न्यूज़पेपर वाली साइड में, फिर आप हेडलाइंस या एडिटोरियल फिर आप पढ़ना शुरू करें। लेकिन 1 महीना मेरे कहने पर मैं आपको एक यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपने पसंद की जो आपके टॉपिक्स हैं या सोर्सेज हैं उन्हें इंग्लिश में पढ़ें। ये मेरा पहला एक सजेशन आपके लिए, अलीशा जी आपके लिए, कि आपको जो भी पसंद है, अगर आपको फैशन के बारे में पढ़ना पसंद है, आपको मेकअप के बारे में पढ़ना पसंद है, आपको कार्टून वार्टून जो भी पसंद है उसके बारे में पढ़िए। 1.5-2 महीना आराम से पढ़िए ना, कि सिर्फ ये बैंक पीओ की बात कर रहा हूँ, आपकी जो जनरल लाइफ में इंग्लिश है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। यही तरीका है अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने का। तो ये सोल्यूशन है मेरी तरफ से अलीशा जी आपके लिए। न्यूज़पेपर से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि न्यूज़पेपर में आपके इंटरेस्ट की न्यूज़ नहीं आ रही है, आप बोर हो रहे हैं न्यूज़ पढ़ते पढ़ते। तो आपको जो पसंद आए पहले वो पढ़ें, न्यूज़पेपर में बाद में आए, तो आपका एक बेस बन जाएगा, बेस बनाए। अलीशा जी आपके लिए यही था। अगला क्वेश्चन है निशांत खोट। निशांत जी कह रहे हैं, जस्ट नाउ आई हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन, मेरे पास सिर्फ 4 घंटे हैं, ड्यू टू जॉब आई हैव जस्ट 4 आवर्स, सो कैन यूटिलाइज शैल आई बाय एनी वीडियो कोर्स और व्हाट। तो निशांत जी कह रहे हैं इनके पास सिर्फ दिन में 4 घंटे हैं, और मैं निशांत जी आपको ये कहूँगा, अगर आने वाले अभी 3 घंटे पड़े हैं, 3 महीने पड़े हैं, 3-4 महीने पड़े हैं आराम से अगले एग्जाम्स में, अभी तो आई थिंक IBPS PO का भी एग्ज़ाम काफ़ी दूर है, तो दिन के 4 घंटे तो 4 महीने में कितने घंटे हो गए। तो इस हिसाब से चलिए कि दिन के 4 घंटे बहुत हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो फुल टाइम तैयारी करते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, कुछ जॉब भी नहीं कर रहे हैं, वो भी कई बार दिन में 4 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं।
तो निशान जी आपको मैं सल्यूट करता हूँ कि आप सारा दिन जॉब करने के बाद भी 4 घंटे निकाल पा रहे हैं। तो दिस इज़ रियली गुड निशान जी, आई रिस्पेक्ट यू कि आप दिन में 4 घंटे प्रिपरेशन के लिए निकाल रहे हैं, और 4 घंटे बहुत हैं। अगर मैं 4 घंटे को डिवाइड करना चाहूँ 4 आवर्स को, तो मैं इसको 30 मिनट जो है मैं न्यूज़पेपर को दूंगा, न्यूज़पेपर को 30 मिनट दूंगा, आप कह लीजिए 30 मिनट्स, या 30 मिनट्स सुनिए, मैं हाँ 30 मिनट्स मैं दूंगा, कह लीजिए कि करंट अफेयर्स और बैंकिंग पढ़ने के लिए। करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए 30 मिनट्स, करंट अफेयर्स, वैसे ये आपका कंबाइन ही हो जाएगा, करंट अफेयर्स, बैंकिंग, इकोनॉमी, ये सब पढ़ने के लिए मैं 30 मिनट्स दूंगा। बाकी के आप कह लीजिए 3 घंटे हैं, जो रोज़ का एक टॉपिक पिक करें, एक टॉपिक रोज़ का पिक करें, चाहे आप क्वांट की बात कर रहे हैं, चाहे आप कह लीजिए रीजनिंग की बात कर रहे हैं, इवन आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं। जैसे एक दिन आप टाइम एंड वर्क उठा लें, फिर पाइप्स एंड सिस्टम उठा लें, हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो देखें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, रोज़ का एक चैप्टर उठाएं, आप 1-1.5 महीने में ही आपको बहुत सारी इंप्रूवमेंट फील होगी। इंस्टेड ऑफ इधर उधर भटकने से दिन का एक चैप्टर करें, कहीं भी आपको कोचिंग वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। दिन में बस आपका इंग्लिश भी मैं देख रहा हूँ इतना इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, पिछले ईमेल्स में आपने देखा था, या आने वाले एक दो मेल्स में देखेंगे, स्टूडेंट्स की इंग्लिश बहुत ख़राब है, लेकिन आपकी इंग्लिश इतनी बुरी नहीं है। तो ऐसे आप यूटिलाइज करें वीडियो कोर्स। वैसे बैंक एग्जाम्स टुडे का वीडियो कोर्स आता है, लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप यही ऐसे ही कोर्स लें, आप तैयारी करें। आप अपने लेवल पे कह सकते हो कि न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स एंड एक टॉपिक दिन का, ये आपके लिए सफिशिएंट है आने वाले 2-2.5 महीनों के लिए। उसके बाद की जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बताता रहूँगा। 3 घंटे जो आपके पास यहाँ पे बचते हैं, दो तो आप 4 घंटे कह रहे हैं, लेकिन हम 2-2.5 घंटे देंगे, मुझे पता है। एक चैप्टर जो आपने करना है, इसमें भी आप पहले एक वीडियो सेशन देख लें, यूट्यूब पे हमारा भी चल रहा है, आप देख रहे हैं, एक वीडियो सेशन देख सकते हैं पहले, जैसे अपने टाइम एंड वर्क करना है, सिर्फ एक ही नहीं अलग अलग वीडियोस देख लें। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके क्वेश्चंस करने हैं, 25, 30, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन करें हर एक चैप्टर के, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर आएगी। आप तब तक अगले चैप्टर पे नहीं जाएंगे, अगर आपने मान लीजिए 50 क्वेश्चन जो है वो आपने करने स्टार्ट कर दिए, अपने वर्कबुक जैसे हम प्रोवाइड करते हैं, आपने नंबर सीरीज का 200 क्वेश्चन का वर्कबुक था मेरा, तो उसमें से मान लीजिए 50 में से आपको 7-8 प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा है। जब तक आपकी ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं जाती, ये आप नहीं सॉल्व कर लेते, आप आगे नहीं जाएंगे। और एक ही लॉजिक से सॉल्व करें, नए नए शॉर्टकट्स, फॉर्मूलेज को याद करने की कोशिश ना करें, एक सिंपल लॉजिक से सारे का सारा जो है चैप्टर सॉल्व करने की कोशिश करें। ये मेरी तरफ से आपका एक्चुअली आपके लिए प्लान है, या टिप है आपके लिए, कस्टमाइज प्लान है आपके लिए, तो इसको जरूर फॉलो करें निशान जी। ये है नूपुर श्रीवास्तव, शी इज एन IIM एक्स। इनके बारे में बता दूं, नूपुर के बारे में, इनका इंग्लिश बहुत अच्छा है, इंग्लिश इन्होंने मेरे को मेल भेजा है, पूरे तरीके से मेल लिखा है, एंड इन्होंने नवंबर 2016 से तैयारी करनी शुरू करी है, और लकीली इन्होंने SBI का पेपर पहली बार दिया, SBI PO प्री का, और पहली बार में ही इनका प्री क्लियर हो गया, लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पिछले 2-2.5, 3-3 साल से, 4-4 साल से अपन तैयारी कर रहे हैं, और उनका प्री तक क्लियर नहीं हो रहा है, बीच में तैयारी कर देते हैं, छोड़ देते हैं, करते हैं, छोड़ देते हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे पहली सलाह तो मैं ये देना चाहूँगा कि थोड़ा सा इंग्लिश पे काम कर लें। नूपुर की आप एक बार मेल देखें, इनकी इंग्लिश बिल्कुल तरीके से लिखा हुआ है, इन्होंने मेल भी तरीके से लिखा है। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करूं, अगर नूपुर जी आप डिस्क्रिप्टिव का पेपर देने जाएंगी, ऐसी ही मेल लिख देंगे, तो मेरे हिसाब से आप डिस्क्रिप्टिव में अच्छे मार्क्स लेकर जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये मैं कहना चाहूँगा कि पहले अपनी बेसिक इंग्लिश ठीक कर लें, जो आपको पसंद है, लेकिन कुछ पढ़ें, पढ़ना ज़रूरी है, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर भी बाद में आता है, अगर आपको न्यूज़पेपर में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कुछ आसान सा पढ़ें, ब्लॉग्स पढ़ लें, हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं उसमें इंग्लिश बहुत आसान लिखते हैं, वो पढ़ लें, कार्टून, मतलब कुछ भी पजल्स वगैरह जो आपको मिलता है, इंग्लिश का मटेरियल जो अच्छा मिलता है पढ़ लें। तो इनका ये कहना है कि 2016 का पेपर बहुत आसान था, 17 का डिफिकल्ट आ गया है, तो बहुत शॉक में है, तो क्लू नहीं है कहाँ से पढ़ें। डू आई हैव टू स्टडी अरुण शर्मा? नूपुर जी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आई डोंट थिंक आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है,
आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पहली बार आप पेपर देने गए हैं प्री का, एसबीआई पीयू का, और आपने बहुत आसानी से प्री प्री का पेपर क्लियर कर लिया, और मेंस में थोड़ा सा आपका रह गया होगा क्योंकि पेपर डिफिकल्ट आ गया है कैसा भी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको खास किसी की ज़रूरत भी है। यू आर डूइंग रियली वेल, आई मीन आप IBPS PO का पेपर देने जाएंगे, प्री आपका जो पेपर है बहुत आसानी से क्लियर होगा मैं कहता हूँ। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट ना होए बिल्कुल भी, अपना कॉन्फिडेंस अपने ज़मीन पे रहें, एंड मेरे हिसाब से अरुण शर्मा वगैरह की बुक पढ़ने का आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। ये जो अरुण शर्मा की बुक है इसमें बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस होते हैं, और ये कैट लेवल की बुक है, इसमें क्वेश्चंस कई बहुत डिफिकल्ट हैं, एंड वो आप कह लीजिए SBI के लिए तो ठीक है, मेंस लेवल के लिए इस बार पेपर टफ आ गया, लेकिन आई डोंट थिंक अरुण शर्मा इज़ अ गुड बुक इवन फॉर द डिफिकल्ट क्वेश्चन। सर्वेश कुमार वर्मा की बुक आती है सर्वेश, ये मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ, सर्वेश के वर्मा की बुक आती है, निशित के सिन्हा की बुक आती है लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है, सर्वेश कुमार वर्मा की भी बुक आती है, इवन आप मेरे नोट्स क्या कहते हैं बैंक एग्जाम्स टुडे के नोट्स भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे हम रेगुलरली पजल्स ये सभी कुछ हम डालते हैं, क्वांट का रीजनिंग का स्टडी मटेरियल भी हम डालते हैं, ये भी आप स्मार्ट प्रेप किट के जो नोट्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं। कैट लेवल इन द एग्जाम क्वेश्चंस जो हैं ऊपर जी, कैट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आप कैट का एग्जाम देखें एक बार, कैट का एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बैंक एग्जाम से काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इस बार जो एक्चुअली पीओ मेंस में जो ISBI पीओ मेंस में जो पेपर आया है, लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, स्टूडेंट ने एक्सपेक्ट ही नहीं कहा था किया था कि इस लेवल का पेपर आएगा, क्योंकि आदत है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इजी पेपर देने की, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा मॉडरेट लेवल का पेपर था। कैट का पेपर अभी भी काफ़ी टफ है बैंक पीओ के कंपैरिजन में, आप एक बार पेपर देखें उसका आपको लगेगा कि हाँ यार ये थोड़ा सा टफ है, कैट की इंग्लिश बहुत टफ होती है एज़ कंपेयर टू बैंक पीओ, इवन तो उसका DI वगैरह काफ़ी टफ होता है, मैंने देखा है पीओ का पेपर SBI का, कट ऑफ कम जाएगी एंड मुझे लगता नहीं है कितना डिफिकल्ट पेपर था। तो आपके लिए यही रिकमेंडेशन है, अरुण शर्मा की आपको ज़रूरत नहीं है बुक की, सर्वेश कुमार वर्मा पढ़ लें बहुत अच्छी बुक है, इंटरनेट पे ज्ञान का भंडार है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, बैंक एग्जाम्स टुडे पे हम बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी डालते हैं, वहीं आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप ज़रूर पास होंगे इस बार, आई मीन IBPS PO आप 100% आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक। ये कुणाल वाधवानी का एक क्वेश्चन आया है, ही सेज कि मैं 25, ही इज 25 ईयर्स ओल्ड, इन्होंने बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, आई डिड माई BCom 2012 में BCom करी है, एंड उसके बाद इन्होंने एक प्राइवेट बैंक में जॉब करी है, और 4 साल इन्होंने कुछ तैयारी नहीं करी है, प्राइवेट जॉब से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और दोबारा PO की तैयारी करना चाहते हैं। तो ये अहमदाबाद में है, और इन्होंने कुणाल जी अपनी इंग्लिश पे थोड़ा काम कर लें, बैंकिंग एकेडमी IBT महिंद्राज करियर, ये इन्होंने इंस्टीट्यूट देखे हैं। कुणाल जी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हो सकता है ये महिंद्रा करियर पावर या IBT ये इंस्टीट्यूट लखनऊ या कुछ बड़े शहरों में दिल्ली वगैरह में अच्छे हों, लेकिन अहमदाबाद में आई एम डैम श्योर ये अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने फ्रेंचाइजीज दे रखी होती हैं, जैसे ये फ्रेंचाइजी मतलब आप अगर कहें कि जी मेरे पास 10 लाख रुपए, आप किसको आपको कुछ नहीं आता है मान लीजिए, तो आप इनके पास पैसे लेकर जाएंगे तो ये आपको अपना ब्रांड दे देंगे, राइट, आपको स्टडी मटेरियल थोड़ा बहुत दे देंगे, तो उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा आपको जाने का। आई एम नॉट श्योर, मैंने ये इंस्टीट्यूट देखे नहीं है, लेकिन आप अपने करियर के साथ इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन बैठ के अपनी जो तैयारी है वो करें, नेट पे पूरी तैयारी करें, बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं एंड्रॉयड की, वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं, यूट्यूब चैनल पे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप यूट्यूब आप पिछली मेरी कुछ वीडियोस देख लीजिए और किसी की वीडियोस देख लीजिए, और उसको अपने लोकल टीचर से कंपेयर कीजिए, आपको बहुत जो डिफरेंस है वो महसूस होगा। हम लोग तैयारी करते हैं काफ़ी अपने लेक्चर्स की, क्वेश्चंस अच्छे अच्छे पिक करके लेकर आते हैं, बनाते हैं आपके लिए, इतनी मेहनत करते हैं, जो लोकल टीचर्स है वो इतना नहीं करते हैं और आपके डाउट्स को सॉल्व करते हैं, तो लोकली थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो कोचिंग के लिए तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि अहमदाबाद में तो कोचिंग ना लें, ऐसे शहरों में जहाँ पे बैंक के एग्ज़ाम्स इतने पॉपुलर नहीं है वहाँ पे कोचिंग ना लें, अगर आप दिल्ली वगैरह से होते तो मैं कुछ कह सकता था, लेकिन यहाँ पे कोचिंग कोई ना लें। तो मैं ऑलरेडी एक प्लान पीछे बता चुका हूँ, पहले क्या नाम था उनका, हाँ निशांत जी को मैंने ये प्लान बताया है, इस प्लान को आप भी देख लें, इसको फॉलो कर लें,
तो आपको बेस्ट ऑफ लक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे मेल कर लें, बात करना चाहते हैं तो मुझसे बात कर लें, मैं बात कर लूँगा। तो आपके लिए बस इतना ही, ठीक है कुणाल जी। मिस श्रुति, इन्होंने क्या बोला है कि सिंस लास्ट टू टाइम्स आई एम अनेबल टू क्लियर द कट ऑफ ऑफ जीए सेक्शन। इनका आईबीपीएस पीओ जो है वो इसलिए पास नहीं हुए हैं क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस सेक्शन में इनका सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा है। श्रुति जी, आपको मैं एक पहले सजेशन देना चाहूँगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो आप जनरल जनरल जो अवेयरनेस है, जीके है, जीए है, इसका प्रिपरेशन नहीं करते हैं। प्री का पेपर हो जाता है फिर आप शुरू करते हैं कि हाँ यार मुझे अब जीए का प्रिपरेशन भी थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। 5-7 दिन पढ़ते हैं और फिर पेपर देने जाते हैं और फिर पास नहीं होते हैं। तो आपको ये सजेशन दूंगा कि आप, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो जीके डाइजेस्ट मेरी एक एप्लीकेशन है, इसको आप इंस्टॉल करके रखें अपने फ़ोन में और रेगुलरली दिन में 10 से 15 मिनट अगर जीके डाइजेस्ट अगर आप पढ़ते हैं, इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स डालते हैं करंट अफेयर्स के, बैंकिंग के, इवन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंग्लिश के, तो वो आप पढ़ते रहिए, तो आपका रेगुलर बेसिस पे आपका जो है जनरल अवेयरनेस स्ट्रांग रहेगा, आप बिल्कुल पास होंगे। तो आपके लिए इतना ही, एंड जीके ये आपके लिए इनफ है, ये जो आपने दोबारा पूछ भी लिया, योर मटेरियल इन जीके डाइजेस्ट इज इनफ फॉर करंट अफेयर्स, जी बिल्कुल इनफ है। शिवी जाटा, इनका एक मेल आया है, गुड इवनिंग सर, आई जस्ट वॉन्ट टू ओवरकम माई फियर ऑफ मैथ। इनको मैथ से डर लगता है, इनको मैथ्स का फोबिया है, शिवी को मैथ्स का एक फोबिया है। शिवी जी, आपको मैथ्स का फोबिया क्यों है ये मैं पहले जानना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मेल करते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं बात करता हूँ, मिलता भी हूँ, तो जिनको मैथ्स से फोबिया रहता है। फोबिया क्यों है? क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपको बेसिक कैलकुलेशन नहीं करना आता, आपको टेबल्स नहीं याद है, आपको क्यूब्स नहीं याद है, आपको स्क्वायर्स नहीं याद है, आप बेबी स्टेप्स नहीं लेते हैं, समझ रहे हैं? आप चलना नहीं सीख रहे हैं और सीधा 100 मीटर की रेस में दौड़ना चाहते हैं, ऐसे नहीं होता है। आप धीरे धीरे चलिए, टेबल याद कीजिए सबसे पहले। आपको मैं बताता हूँ, आपको रिकमेंडेशन देता हूँ, स्टेप बताता हूँ। पहला स्टेप, टेबल्स याद कीजिए, टेबल याद कीजिए अप टू 40 के आप टेबल याद कीजिए। बेबी स्टेप्स में चलेंगे हम, 40 तक के टेबल याद करने हैं, और टेबल याद करने के बाद आपके लिए टेस्ट है एक, कि आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 38 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, आप 33 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे अलग अलग से मल्टीप्लाई करके देखिए और कैलकुलेटर में वेरीफाई कीजिए कि आपकी कैलकुलेशन सही आ रही है। तो ये आपके लिए सबसे पहला टिप है, पहले टेबल्स याद कर लें, फिर स्क्वायर्स याद कर लें, फिर आप कह लीजिए क्यूब्स याद कर लें, स्क्वायर रूट याद कर लें। ये सब पहले आप बेसिक्स अपने क्लियर करें, उसके बाद आप कह लीजिए अप्रॉक्सीमेशन वाला जो मैंने सेशन अपलोड भी किया हुआ है उसको फिर फॉलो करें, उसके बाद आप कह लीजिए अरिथमेटिक पे आएं, फिर आप डेटा इंटरप्रिटेशन पे जाएं। आप पहली बार में ही डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो बेबी स्टेप्स लीजिए, धीरे धीरे, पहले चलना सीखिए, फिर तेज चलना सीखिए, फिर जॉगिंग कीजिए, फिर भागिए। आप स्टार्टिंग में भागेंगे तो गिरेंगे, गिरना नहीं है, डरना नहीं है, बेबी स्टेप्स लीजिए, धीरे 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 आगे जाइए, राइट। इवन रीजनिंग है, चाहे इंग्लिश है, इंग्लिश में भी यही है, धीरे धीरे आगे जाइए। एकदम से आप हिंदू का एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, धीरे 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 धीरे। आप कह लीजिए पहले कॉमिक पढ़ लीजिए, कोई मार्वल्स की कॉमिक आती है, कोई आप न्यूज़पेपर में कार्टून्स होते हैं, कुछ भी जोक्स हैं इंग्लिश के, कुछ भी इंग्लिश का थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़िए, समझ रहे हैं? तो धीरे धीरे पढ़िए, आपके लिए अच्छा रहेगा। रीनू यादव जी कह रही हैं, सर प्लीज़ गिव मी मैथ स्टडी मटेरियल वन प्रॉब्लम। इनका जो है इंग्लिश बहुत ख़राब है, इंग्लिश गोज मैनी नेगेटिव स्लो, ये क्या कहना चाह रहे हैं, आई मीन स्लो इन स्लोइंग। एंड रीनू जी का इंग्लिश बहुत ख़राब है, रीनू जी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपका इंग्लिश ख़राब है तो इंग्लिश पढ़िए। न्यूज़पेपर समझ में नहीं आ रहा है तो जो अच्छा लगता है वो पढ़िए, कॉमिक अच्छी लगती है, जोक्स वाली बुक्स भी आती हैं, जोक्स की बुक्स भी आती हैं, समझ रहे हैं? छोटी छोटी बुक्स आती हैं वो रेलवे स्टेशन वगैरह पे मिलती हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी मिलती होंगी, जोक्स की बुक खरीद लें, कुछ भी रोमांटिक बुक खरीद लें, कोई भी बुक पढ़ लें जो आपको अच्छा लगता है। आपको फैशन के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, फैशन मैगजीन खरीद लीजिए इंग्लिश की, लेकिन आप
आपको ब्यूटी टिप्स चाहिए या कुछ भी ऑर्गेनिक, आपको आयुर्वेद के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, जिस चीज़ के बारे में आपको, क्रिकेट के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है उसको पढ़िए पहले। उसको पढ़ेंगे तो कम से कम आप ऐसी आपकी इंग्लिश नहीं रहेगी, आप एक महीना पढ़ें आपकी इंग्लिश ऐसी नहीं रहेगी, राइट। तो आपके लिए ये टिप है, कुछ पढ़ें। इनका तो मैं नाम भी नहीं लिख दिया वैसे तो, योगेश डी, इनका इंग्लिश बहुत खराब है, इन्होंने खुद ही बोल दिया मेरा इंग्लिश खराब है। तो आई हैव स्टडीड बट आई एट द टाइम ऑफ एग्जाम माई इट्स मोस्टली यूज्ड, आई चेंज फुल, ये क्या लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरा मटेरियल, स्टडी मटेरियल बहुत यूजफुल है, लेकिन ग्रेड आई एम डाउनलोड योर मटेरियल फ्रॉम ग्रेड अप एंड ऑल वट एवर। चलिए इनका ये मैं बात बता देता हूँ एक चीज़ इनकी, योगेश जी आपका इंग्लिश बहुत ख़राब है, आप ऐसे कोई भी पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे, सेक्शनल कट ऑफ आपकी क्लियर नहीं होगी, ऐसे मत कीजिए, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। एकदम से आप मेरा स्टडी मटेरियल तो ठीक है आपने डाउनलोड कर लिया है मेरी साइट से, लेकिन आप एकदम से डिफिकल्ट आरसी सॉल्व कर रहे हैं, पैरा जंबल सॉल्व कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर किसी टेस्ट में, इजी टेस्ट में 10 में से आपके 4-5 मार्क आ भी जाएंगे, पेपर में नहीं आएंगे, तो कम से कम कुछ पढ़िए, अपनी इंग्लिश को सुधारिए। आप क्या ये मेल पढ़ के ही मैं बता सकता हूँ कि आपका इंग्लिश वीक है? आई मीन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाइए, कुछ अच्छा पढ़िए, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़िए, कम से कम इससे आपको थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट तो होगी। आज का टेक अवे यही है पूरी सेशन का कि इंग्लिश का कुछ ना कुछ पढ़िए। तो मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा, ये सारी मेल्स पढ़ने के बाद, आप सबको रिप्लाई करने के बाद, सब कुछ एक टिप्स आपके लिए। सबसे पहले तो ये चीज़ मान लीजिए कि ठीक है आपकी इंग्लिश ख़राब है, आपका क्यूटी खराब है या जीए रीजनिंग, कोई ना कोई आपका जो सेक्शन ख़राब है, पहली बात मानिए। स्टूडेंट्स आते हैं, सर मैंने क्यूटी सारा पढ़ लिया, मेरा सिलेबस कवर है, लेकिन मैं सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ, 35 में से मेरे 4-4, 5-5 मार्क आ रहे हैं। भाई तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है, ये जो महिंद्रा वहिंद्रा ये इधर उधर घटिया घटिया इंस्टीट्यूट्स में जा जाके तुमने अपना टाइम खराब किया है, उन्होंने तुम्हें बेसिक्स भी नहीं करवाए हैं, मान लीजिए प्लीज, अगर आपके 4-5 मार्क आ रहे हैं, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं, राइट। आप बेसिक्स पे दोबारा से काम कीजिए। मैं नीचे लिंक में एक अपना पिछली वीडियो का लिंक दूंगा जिसमें मैं बताया कि कैसे आप अपनी क्यूटी में स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इंग्लिश का भी मैं एक यही बताऊंगा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है अगर आपको न्यूज़पेपर, तो जो पसंद है पहले पढ़ लें, लेकिन मान लें कि आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है। सबसे पहली जो चीज़ है कि स्टूडेंट्स जो नहीं मानते हैं तो उनका सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगा कि वो मानेंगे ही नहीं, वो तो कहते रहेंगे मेरा, माई इंग्लिश इज़ वेरी गुड, माई इंग्लिश इज़ गुड, यस नो करते रह जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा। मानिए कि आपका इंग्लिश नहीं है, अगर आप मान जाएंगे तो उसके बाद आप एक 8th की 9th की 10th की आप ग्रामर की बुक पढ़ेंगे। अगर आप अपना ईगो बीच में लाएंगे तो आप कभी भी 10th की बुक नहीं पढ़ेंगे। मैंने खुद पढ़ी है किसी टाइम पर 10th की ग्रामर की बुक, तो पढ़ लीजिए एनसीईआरटी 10th की उठा के ग्रामर की, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, पढ़ लीजिए। और क्यूटी की भी अगर मैं बात करूँ, टेबल्स पढ़ लीजिए, टेबल्स याद कीजिए, क्या इसमें शर्म वाली क्या बात है? 17 का टेबल आता है आपको? नहीं आता तो क्या बुरी बात है इसमें यार, मान लो नहीं आता पढ़ लो, आई मीन 15-20 मिनट लगेंगे याद करने में। 18 का टेबल आता है क्या? 23 का टेबल आता है? अगर आपका आंसर ना आया तो मैं आपको बता रहा हूँ बड़े भाई की तरह, फिर से आपको बड़ा भाई मैं हूँ आपका, फिर से दोबारा बता रहा हूँ, नहीं आता तो यार पढ़ लो, कुछ शर्म की बात नहीं है, कोई नहीं देख रहा तुम्हें, इट इज़ लाइक यू एंड मी, कोई तुम्हें नहीं देख रहा, शर्म वाली बात नहीं है। 17 का टेबल नहीं आता है, कॉपी लो लिखो, नहीं तो टेबल का कुछ चार्ट उठा लो नेट से पढ़ लो, किसी को पता नहीं चलेगा, पढ़ लो। मुझे पता है कई लोगों को यहाँ पे 13-14 का टेबल भी नहीं आता होगा और बिल्कुल वो मानते भी नहीं हैं, बट पढ़ लो यार प्लीज़, आपको मेरी तरफ से सजेशन है। जीए जो है, अगर जनरल अवेयरनेस आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, 3-4-5 महीने रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो आप कभी भी किसी भी जीए के पेपर में फेल नहीं हो सकते। ये आपको पहली, बैंक में वैसे भी जीए बहुत आसान आती है, आपको पता है बार बार कंट्री की कैपिटल पूछ लेते हैं, करेंसी पूछ लेते हैं, बेसिक से करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं, तो जीए जो है वो बहुत आसान आती है बैंक के पेपरों में। पिछले 3-4 महीने में आपने अगर जीके डाइजेस्ट को फॉलो किया है तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे जीए में। रीजनिंग जो है, रीजनिंग मैं कहूँगा कि अगर आप क्वांट, इंग्लिश और जीए में आपका स्कोर अच्छा जा रहा है तो आपका मोटिवेशन लेवल बनता है, तो रीजनिंग में आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। अगर आपका क्यूटी अच्छा है तो आपका रीजनिंग भी अच्छा होगा, क्योंकि
क्योंकि आपका मोटिवेशन लेवल उस लेवल आप बहुत ऊपर चले जाता है, तो रीजनिंग में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। और टिप देता हूँ थोड़ा सा, बेसिक्स ये मैं बोल चुका हूँ, बेसिक्स से काम करें, टेबल्स पढ़ लें, ब्लॉग्स पढ़ें, कुछ भी न्यूज़पेपर समझ में नहीं आ रहे एडिटोरियल तो कुछ भी आसान पढ़ना शुरू करें, एटलीस्ट पढ़ें, कुछ ना कुछ तो ज़रूर पढ़ें। और बार बार बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मेल कर करके पूछते हैं सर बेस्ट बुक कौन सी है, बेस्ट बुक कौन सी है। अभी मैं आपसे पूछूं बेस्ट मोबाइल कौन सा है, तो नहीं है कुछ भी, कोई चीज़ बेस्ट नहीं होती। आप कहेंगे आईफोन सबसे अच्छा, नहीं उसकी बैटरी बहुत बकवास है, मेरे पास है अच्छा फ़ोन नहीं है वो। ठीक है कुछ एक एरियाज में अच्छा है, मेरे पास और भी मैंने फ़ोन देखे हैं अच्छे हैं, किसी पार्ट में अच्छे हैं किसी पार्ट में अच्छे नहीं हैं। बुक्स में भी सेम चीज़ यही अप्लाई होती है कि कई कई जगह में कोई कोई बुक अच्छी होती है, कोई कोई बुक अच्छी नहीं होती। वैसे एम टायरा या आर एस अग्रवाल ये बहुत आउटडेटेड बुक्स हो चुकी हैं, ये मत पढ़ें। क्या पढ़ना चाहिए, सर्वेश कुमार वर्मा, निशित के सिन्हा, इस तरह की बुक्स जो हैं ये नई नए तरीके की बुक्स हैं, ये पढ़ लें। एक मैं और भी बुक देख रहा था, उसका भी मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा अगले सेशन में। आप हमारे बैंक एग्जाम टुडे के नोट्स भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी और अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं उनके आप नोट्स पढ़ सकते हैं, उनके क्विजेज दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल जो है आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो जाएगा। और बार बार ये मत पूछें कि बेस्ट बुक कौन सी है, मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, मैं तो वही बोलूँगा, मेरे नोट्स ही अच्छे हैं, मैं किसी और के क्यों अच्छे बोलूँगा। तो ये पहला पॉइंट है मेरे से, अगर बार बार पूछेंगे बेस्ट बुक कौन सी है, मेरा आंसर थोड़ा सा बायस्ड हो जाएगा, क्योंकि आप मेरी जगह पे आके देखिए ना, आपने किसी चीज़ पे 6 महीने 7 महीने 8 महीने लगाए हैं, आपको किसी और की वो बुक क्यों पसंद आएगी, अपनी पसंद आएगी ना, चाहे वो अच्छी हो या ना हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट आके कमेंट भी कर सकते हैं सर आपकी बुक उससे अच्छी नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, मैंने मेहनत करी है तो मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप आपके लिए, बी रेगुलर। अगर आपने आज तैयारी शुरू करी है राइट IBPS PO के लिए, तो आप रोज़ पढ़ेंगे, बीच में एक हफ्ता छोड़ना, एक महीना छोड़ना, 15 दिन छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, पास नहीं होंगे। रेगुलर पढ़ना है, रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ भी पढ़ रहे हैं, कॉमिक पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई रोमांटिक बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश कम से कम पढ़ें, रोज़ का एक चैप्टर उठाएं, क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व करें, एक पज़ल भी करने की कोशिश करें। तो ये है आपके लिए मेरे ही तरफ से कुछ टिप्स। अगला Q&A सेशन मैं सैटरडे को करूंगा, तब तक आप अपनी जो मेल्स हैं वो मुझे भेजते रहिए। अगर आपको मेल का रिप्लाई नहीं भी मिल रहा है तो आप ये जो सेशन है Q&A इसको ज़रूर फॉलो करें। ये बैंक raman@bankexamstoday.com ये मेरा ईमेल आईडी है, एंड IBPS PO के लिए IBPS PO मेगा प्रेप सीरीज जो है, मेगा प्रेप कोर्स जो है, इसमें ज़रूर इनरोल करें। रेगुलरली हम इस पर वीडियोज़ अपलोड करते हैं, सेशंस अपलोड करते हैं, हम इस पर अपना PDFs अपलोड करते हैं, क्विजेज अपलोड करते हैं, बहुत मॉक टेस्ट, बहुत अच्छे अच्छा अच्छा मटेरियल हम इस पर अपलोड करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। इस पर ज़रूर इनरोल करें राइट। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स ने इनरोल किया है उनका मैं लिस्ट बनाऊँगा, एंड जब ये कोर्स ख़त्म होगा राइट, जब ये IBPS PO का रिजल्ट आएगा प्री का, तब मैं अपनी जो सक्सेस रेट है स्टूडेंट्स की वो भी शेयर करूँगा। एक एक स्टूडेंट्स में जा के मेल करूँगा, सबसे मैं फ़ोन पे बात करूँगा, एंड मैं अपना जो रिज़ल्ट है इस बार मैं वो भी शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कुछ एक लोग डिसलाइक भी करते हैं, देखते भी हैं और डिसलाइक भी करते हैं, क्यों भाई। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसे कमेंट भी कर दीजिए, मैं आपके कमेंट जो है वो भी लेता रहूँगा। अगला जो सेशन है वो कमेंट बेस्ड होगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगला जो सेशन है वो कमेंट बेस्ड होगा। आप अपने जो कमेंट्स हैं वो नीचे, आप नीचे डालिए, क्या कहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आप सभी के कमेंट्स हैं वो रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और उस पर मैं अगला जो सेशन है वो भी बनाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी सेम टाइम में, बाय।